बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, वहीं भारत में 600 से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म जवान में शाहरुख खान और नयनतारा का अहम रोल देखने को मिला है और फिल्म को देश भर में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शाहरुख खान के नाम में एक बड़ा रिकॉर्ड कर दिया है। चलिए आपको फिल्म जवान के 25 दिन के कलेक्शन के बारे में बताते हैं। फिल्म जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म जवान ने दूसरे दिन 53 करोड़ 23 लाख, तीसरे दिन 74 करोड़ 5 लाख, चौथे दिन 80 करोड़ 5 लाख, पाँचवें दिन 30 करोड़ 5 लाख, छठवें दिन 27 करोड़ 50 लाख, सातवें दिन 23 करोड़ 2 लाख, आठवें दिन 19 करोड़ 50 लाख, नौवें दिन 19 करोड़ 50 लाख, दसवें दिन 30 करोड़ 51 लाख, ग्यारहवें दिन 36 करोड़ 52 लाख, बारहवें दिन 16 करोड़ 75 लाख, तेरहवें दिन 14 करोड़ 4 लाख, चौदहवें दिन 12 करोड़, पंद्रहवें दिन 8 करोड़ 9 लाख, सोलहवें दिन 7 करोड़, सत्रहवें दिन 12 करोड़, अठारहवें दिन 15 करोड़, उन्नीसवें दिन 5 करोड़ 5 लाख, बीसवें दिन 5 करोड़, इक्कीसवें दिन 4 करोड़ 85 लाख, बाईसवें दिन 5 करोड़ 97 लाख, तेईसवें दिन 5 करोड़ 13 लाख, चौबीसवें दिन 8 करोड़ 50 लाख और 25वें दिन 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने 25 दिनों में 603 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने 25वें दिन सिर्फ भारत में 600 करोड़ के आंकड़े को पार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म का बजट 300 करोड़ था जो भारत में 4 से 5 दिनों में पार हो गया था। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2 गुना प्रॉफिट कमा लिया है और अभी भी फिल्म की कमाई हो ही रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 1050 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। साल 2023 की शुरुआत में शाहरुख खान ने 1052 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाया, जिसे उन्हीं की फिल्म जवान तोड़ने में कामयाब रही। फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति के अलावा संजय दत्त और दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में नजर आई हैं।